ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. वी विल बी टॉकिंग फॉर द डे थ्री नाउ. डे थ्री लाइक ऑन डे वन वी स्टार्टेड फॉर द पाइथन फंडामेंटल्स. सो सिंटैक्सेस वगैरह देखे अलग अलग एंड वी वर्क विथ सिंपल स्टेटमेंट्स. एंड कंडीशनल एग्जीक्यूशन. लाइक इफ एलिफ वगैरह देखा. ठीक है. एंड ऑन वेरी नेक्स्ट सेकेंड डे दैट वी वर्कड आउट विद द स्ट्रिंग मैनिपुलेशन. एंड इंडेक्स स्लाइसिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट वी सीन द कॉन्कैटनेशन. कॉन्कैटनेशन देखा हम लोगों ने. उसके अलावा हम लोगों ने स्प्लिट का यूज देखा, ज्वाइन का यूज देखा. रिलेटेड टू स्ट्रिंग वी हैड सीन सो मच लाइक समथिंग लाइक दैट. Apart from that, we started with the least. Least is having much more capability. Like this is one of the thing. So we'll be continuing with the least. Least में भी हम लोगों ने उसके अलग-अलग मेथड देखे. Append देखा, append मेथड देखा, sort देखा, even sort with reverse equals to true, वो भी देखा. So we had seen that. And apart from that, we had seen like we can use this least by using the range. Now range is a function where 0 to 100 वगैरह लिखते हैं हम लोग. तो 0 से लेके 100 ये वाला least बना देता है वो. So that is another thing that you can use with. ठीक है. So least we will be continuing with the least. There are other functionalities that we can check out with the least. Okay, so we'll try to find out that how the memory gets stored. No, memory mein kaisa store kiya jata hai vagra. Ye thode bahut concept hai jahan pe hum logo ko thoda sa dekhna padta hai. Now when I'm talking about least, okay, least kabhi bhi aap use karte ho ye data class. So it's a data class. ठीक है, data type और data class. ये suppose A is a list of 0, 1, 2, 3, 4. What is this? This is an integer. This is an integer. ये integers है. तो memory में क्या होता है? ऐसे एक memory रहेगी. Memory is computer memory, right? Computer memory is in RAM memory, ROM memory. जो रहते हैं वो. तो ये मेमोरी में 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टोर हो जाता है ये. ठीक है. तो ये मेमोरी का सपोज इसका एड्रेस 1 है, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, एड्रेस 4, एड्रेस 5. इसमें से जो एड्रेस 1 है उसको बेस एड्रेस बोला जाता है. इसको बेस एड्रेस बोला जाता है. बेस बेस एड्रेस इज बेसिक एड्रेस और उसका फंडामेंटल एड्रेस जिसमें मैं आगे के इसके ऐड करते जाता हूं उसको ऑफसेट बोलते हैं. नाउ दीज आर द वर्ड्स दैट एट लीस्ट यू शुड नो अबाउट लाइक व्हाट इज मीन बाय बेस एड्रेस, व्हाट इज मीन बाय ऑफसेट. ये थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए. ठीक है. बट इसका फायदा क्या होता है वो भी बोलता हूँ मैं. नाउ इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, बी इज इक्वल टू ए. What is mean by that? B, the contents of A are also assigned to the B. Now A क्या है? यहाँ पे जो A address है, ये address हम लोग हर बार ये जो address होता है numeric value में कुछ ऐसा रहता है 0x001FE2H don't FFE2H. तो ये हर बार हर एक चीज का याद नहीं रख सकते हम लोग. कंप्यूटर में ऐसे एड्रेसिंग होता है. दिस इज एड्रेसिंग इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम.
एक्स नंबर सिस्टम रहता है, तो डोंट वरी अबाउट इट। हम लोग को ये डिटेल में नहीं जाना है, हम लोगों को कंसेप्चुअल देखो, कोई भी चीज अगर हम लोग को नंबर हर बार नंबर याद रखना हमारे मेमोरी के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो दैट्स व्हाई व्हाट वी इवन यू चेक आउट मोबाइल में भी, हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल में हम लोग 98 जो रहता है नंबर आगे, ठीक है, वो 10 डिजिट नंबर हम लोग को ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 नंबर याद रहते हैं। 10 डिजिट नंबर जो कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं वही याद रहते हैं, बाकी तो नहीं रहते। तो बाकी के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका नाम लिख देते हैं एंड दैट वी सेव इट इन कॉन्टैक्ट लिस्ट, में सेव करते हैं। तो जो हम लोग नाम देते हैं, दिस नेम हम लोग चेंज कर सकते हैं, दैट वी कॉल इट एज एन वेरिएबल, नेम, ठीक है। तो दिस वेरिएबल नेम वी कैन यूज इट, तो ए इज अ वेरिएबल नेम, ठीक है। अब बी इज ऑल्सो वेरिएबल नेम, बट यहाँ पे जो मेमोरी में स्टोर्ड है इसका वापस से यहाँ पे नीचे कॉपी नहीं करता है, सेम एड्रेस लोकेशन यूज करता है, जो सेम एड्रेस लोकेशन पे कंटेंट है ना उसी को पॉइंट करते रहता है। तो अभी मजा देखेंगे इसके रिलेटेड, हम लोग विल विल सी दैट हाउ दिस थिंग्स हैपन लाइक, ठीक है। सो वी नीड टू गो टू गूगल कोलैब, सो गूगल कोलैब हम लोग सर्च करेंगे, विल ट्राई टू लॉग इन विद द गूगल कोलैब, ठीक है। वंस वी लॉग इन विद द गूगल कोलैब विल स्टार्ट विद द लाइक न्यू नोटबुक, ठीक है। So we'll need to sign in. Okay. Now, by the time it gets starts up, like we'll be starting up with the new notebook. We'll have a day 3 training. Apart from that, what I will do is I got a few requests from the students side and I will let you know about that too. I personally felt and few of the students also asked about the same. However, sir, we need more practice example, okay? So what I will do is I will put up more examples for practice in Google Classroom, ठीक है। Google Classroom में आपके individually you will keep more examples for practice so that you can perform these examples, you can perform on your own and now submit the its output as submission for that example as challenge, ठीक है, चैलेंज करके आप एक्सेप्ट करके उसको सबमिट करोगे। सो विल कीप द मोर मोर ऑफ दीज थिंग्स एज फॉर द प्रैक्टिस पर्पज, ठीक है। मोर एग्जाम्पल्स आई विल कीप द प्रैक्टिस, आई विल कीप इट फॉर द प्रैक्टिस, ओके। नाउ आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, A is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Now B is equal to A. Now if I print A and if I print B, both will be same. We'll get the same sub, right? We'll get the same values. So, how we should be proceeding? हम लोगों को कैसे proceed करना है वो देखेंगे, ठीक है? So if we do this way, now you can see that 0, 1, 2, 3, 4, 5 will be same. Now, if I do something like this, now if I append, rather, I will, what I will do is in A of A of 0, ठीक है, मैं A of 0 की वैल्यू अभी 999 बना देता हूं, ठीक है।
Now if I print value of A and B, मैंने क्या किया, ये जो जीरो है, ये जो जीरो है, ये जीरो लोकेशन, टू अवॉइड द कंफ्यूजन यहाँ पे हम लोग कुछ अलग वैल्यू भी ले सकते हैं. जीरो, दिस जीरो इज एन इंडेक्स, दिस जीरो इज एन इंडेक्स, ये जीरो जो है वो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू है. अगर मैं ये जीरो की जगह पे वैल्यू में 999 कर देता हूँ ए के, इसमें मैंने सिर्फ चेंज ए में लेके आया हूँ, मैंने सिर्फ चेंज ए में किया है. नाउ इफ आई प्रिंट दिस थिंग, इफ आई प्रिंट दिस थिंग, यू कैन सी दैट यहां पे जब मैंने बी को प्रिंट किया हुआ है आखिरी में, द वैल्यू ऑफ बी का जो बी ऑफ जीरो है वो बी ऑफ जीरो भी 999 बन गया है. What is mean by that? मैं जो बता रहा था, what I was talking about, कि बाबा जब ये लिस्ट में ये स्टोर होता है, ये सेम मेमरी, कॉमन मेमरी यूज होती है, कॉमन मेमरी, ठीक है, जब भी आप एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट में कॉपी. तो अगर मेरे को इंडिपेंडेंट मेमोरी चाहिए, इसका अलग से और इसका अलग से चाहिए, तो एक्सक्लूसिवली आई नीड टू डू आइदर, देयर आर टू मेथड्स, वन इज अ डीप कॉपी करके रहता है, और दूसरा रहता है लिस्ट डेवलप, लाइक डायरेक्टली लिस्ट करके उसको डिफाइन करना है, ठीक है. तो विल सी दैट सिंपल मेथड इज यूज ऑफ लिस्ट, ठीक है. अब मैंने अगर कुछ ऐसे कर दिया, नो होपफुली यू आर क्लियर विद दिस, कि बाबा मैं पर्टिकुलर कोई भी वैल्यू एक इसमें, अगर एक लिस्ट में चेंज कर देता हूँ, देयर इज अ कॉमन लाइक प्लेस वेयर दीज थिंग्स आर स्टोर्ड. तो टेक एन एग्जांपल, अगर आपके घर में आप और आपका ब्रदर या आपकी सिस्टर, एंड आपके घर के फ्रिज के अंदर जो भी सामान रखा हुआ है आपने, ठीक है, so if you are utilize, like if there is an a bottle of fruity rakha hua hai, and suppose aapke brother ne ya sister ne usme se ek glass pee liya, so when you will go for an accessing that the same stuff, ek jagah pe jahan pe wo bottle rakhi hui, right, to kya hoga, uske content kam dikhenge aapko, and if you take one glass out of it again, the remaining part will you keep it in the fridge. Whenever your brother or sister will access it again, they will find it a different. And agar aapne naya bottle us jagah pe laake diya, laake rakh diya, so then that will be a full bottle. ठीक है, ऐसे ही आप अलग अलग चीजों का भी रख सकते हो. Now the fridge is a common place where you can do it. Now what you can do is, you can have your own cupboard, and your brother or sister will have some other cupboard. Agar dono ke cupboard alag alag hai, in that scenario it will be different thing altogether. But agar common place hai, to wahan pe ye work nahi kare, theek hai. So a ko badla hai maine, ya main yahan pe agar niche jaake b ke value ko badal leta hu, matlab b of like 3, B of 3, I will make it as 100, ठीक है, B of 3 is this value, 3 की जगह पे क्या आएगा, अभी 100 आएगा, ठीक है, okay, let's see, so if I print A and B, दोनों में changes आते हैं इसके चलते, so you can see that, यहाँ पे A में तो मैंने changes नहीं किए थे, but A में changes होके वहाँ पे 100 आया है, B में भी 100 आया, A में भी 100 आया. I am printing A and B आखिरी में, ठीक है, यहाँ पे 999 मैंने सिर्फ A में चेंज किया था, लेकिन B में भी वो चेंज हो गया. So what is mean by that? It is a common memory place. Now here itself, if I make it something like this, list of, मैंने ऐसे अगर असाइन कर दिया पर्टिकुलरली, इफ आई डू दिस वे, मैंने सिर्फ ये कीवर्ड ऐड किया है लिस्ट ए करके, इन दैट सिनेरियो यू कैन चेक आउट, नाउ इट विल टेक डिफरेंट मेमोरी. नाउ 999 इज नॉट रिप्लेस्ड हियर, यहाँ पे रिप्लेस नहीं हुआ, बी में इंडिपेंडेंट, और जो मैंने बी में 100 डाला था वो बी में इंटैक्ट है, वो ए में कुछ भी चेंज नहीं करा. सो व्हाट इज मीन बाय दैट, यहाँ पे कबर्ड अलग अलग हो गए, कबर्ड अलग अलग हो गए, अगर मैं लिस्ट करके यहाँ पे लिख देता हूं तो, इफ आई राइट इट एज अ लिस्ट हियर, ठीक है,
सो लीस्ट मेक्स इट एज एन इंडिपेंडेंट मेमोरी एलिमेंट. तो बी को एक अलग से मेमोरी अलॉट किया जाता है जो ए का कॉमन सेम मेमोरी नहीं रहता है. ठीक है, होपफुली यू आर गेटिंग दिस थिंग. समझ में आ रहा है ये? यस पीपल, ओके, या यू कैन चैट इन. ठीक है, चैट में भेज सकते. सो होपफुली ग्रेट, ओके, लेट्स कंटिन्यू ऑन दैट नोट. वी कैन हैव अ लिस्ट ऑफ लिस्ट. ठीक है, अभी लिस्ट ऑफ लिस्ट भी देखेंगे. व्हाट इज मीन बाय दैट? We can have a list of least like this. A is a list of least like 1, 2, 3, comma another list of 4, 5, 6, and then another comma 7, 8, 9. Now, if I print something like this, if A of 0, if I print, then what I will get is 1, 2, 3. मैंने now this is the list of list. List of list is in like multi-dimensional. Yeah. Now if I do something like this, if I wish to access this element is 0, 0. ठीक है, 0, 0. ठीक है, 0th index के हिसाब से. Like if I go with print a of 0 and 0, and if I run this, you can see that. Now what is mean by this is, if I try to explain this here, now if I write it this way, it's an index of index, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now this element particularly is A of 0. अगर मैं ये बोलता हूं, ये पूरा this is A of 0, अगर उसके अंदर वाला ये element देखना है मुझे, तो that is again a 0. Now this will make the pointing to this. अगर मैंने A of 1 लिख दिया, then this will point to this. And इसके अंदर वापस से 0, 1, 2. So if I write it 1, 2, I will get the number as 6. And अगर मैं A of 2 is this. ये पूरा का पूरा आता है A of 2 के साथ. And इसमें मैंने अगर 1 लिखा, तो I will get the 8 as output. तो दिस लाइक इंडेक्सिंग समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, लाइक दे आस्क इट फॉर द टेक्निकल एप्टीट्यूड वेयर दे गिव दिस काइंड ऑफ एन, ये यहाँ पे वैल्यूज दी जाती है -3, -4 और 10, 11 एंड देन ऑल, एंड देन दे गिव द इंडेक्स लाइक दिस. ये इंडेक्सिंग समझना बहुत जरूरी है, इंडेक्सिंग कैसे वर्क करता है. So, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हर एक इसमें 3 एलिमेंट्स ही होने चाहिए. नॉट नेसेसरी. लेट्स सी दैट टू. सो इफ आई जंप बैक टू हियर, इफ आई जंप बैक नाउ, एज आई टोल्ड यू, प्रिंट ऑफ प्रिंट ए 1, अगर मैं 2 करता हूं, देन आई शुड गेट इट एज 6 एज आउटपुट. सो आई गॉट द 6 एज आउटपुट. And similarly, अगर मैं 2, 1 करता, then I should get 8 as output. So we get that 8 as output. And as I told you, like it is not necessary कि बाबा कि सभी के सभी 3 dimension के रहने चाहिए और 3 element ही रहने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. You can have a variable amount of यहाँ पे लिस्ट ऑफ लिस्ट कैन बी ऑफ एनी डायमेंशन. ठीक है,
नाउ द वैल्यूज विल चेंज लाइक 161 213 यहाँ पे 213 है यहाँ पे 61 है यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 है 1 की जगह पे मैं 100 भी कर सकता हूँ एंड देन आई विल गेट दैट 100 हियर सो आई गॉट द 100 एंड इफ आई प्रिंट दिस वे a of 0 a of 1 एंड a of 2 एंड आई कैन गो ऑन जितने चाहिए उतने में लिस्ट ले सकता हूँ ठीक है सो आई कैन टेक ऑल द वैल्यूज ऑफ द लिस्ट ठीक है जितने हो सके उतने ओके हैव यू अंडरस्टूड द नेस्टेड लाइक जो लिस्ट ऑफ लिस्ट है यस विल कंटिन्यू ऑन दैट नोट देन सो लिस्ट के जितने भी मेथड्स है लिस्ट के लिए लागू होने वाले लिस्ट Python ठीक है you can go ahead and you can go through this different methods that are applicable for the list alag alag jo hai now append hai clear hai copy hai count hai now count is also very good sum to hum logo ne dekha hi tha sum is a different function actually count bhi kar sakte hain length or count the like पर्टिकुलरली डिफरेंट है विल लेट यू नो एक्सटेंड है इंडेक्स है ठीक है इंडेक्स एंड इंसर्ट वगैरह है तो इसमें से इंडेक्स एंड ये काउंट ये काम में आते हैं वो भी देखेंगे कैसे काम में आते हैं लाइक विल सी वी हैव सीन सॉर्ट वी हैव सीन रिवर्स ऑल्सो लाइक रिवर्स इक्वल्स टू टू तो ऑर्डर भी रिवर्स हो जाता है वैसे के वैसे देखते हैं how we can do that so let us think of this if a is equal to like having values like 3 56 89 90 12 minus 22 82 34 55 and 100 now what I want is I want it in reverse order so if I do a reverse and then if I print so print a here and I will print in here so jaise ke waise matlab ye 0 100 element jo hai wo pehla aayega aur 3 jo hai wo aakhri mein aayega you can see that so जैसे यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं करता है सिर्फ रिवर्स कर देता है इस चीज को रिवर्स कर देता है नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल विद दिस ये हो गया रिवर्स के लिए अभी और एक है जिसमें मेरे को क्या करना है मेरे को ये देखना है कि ये 34 जो है वो उसका इंडेक्स नंबर क्या है नाउ इंडेक्स नंबर इज लाइक If I start counting from this 0, this 1, this 2, 3, 4, 5, 6, 7. So if I wish to know the index of 34, so I can have that a dot index. Kiska chahiye meko? Kiska index chahiye? 34 ka. So if I print this value, I should get the output as 7. I should get the output as 7. 34 का इंडेक्स जो है जो जहां पे भी उसने स्टोर किया है वैल्यू तो उसका इंडेक्स यहां से अगर मैं 0 से चालू करता हूं 0th इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स सेकंड इंडेक्स थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ सो इफ आई नो ट्राई एंड अंडरस्टैंड ये चीज लगती क्यों है मतलब व्हाई वी नीड दिस काइंड ऑफ स्टफ लेट अस इमेजिन ये कंपनी वगैरह में आप भी यूज करते हो जब भी सॉफ्टवेयर से लॉग इन करते हो ना Let us think of something like this. This is your roll number and this is your name. Okay? So roll number 1 name, roll number 2 name, roll number 3 name, roll number 4 name, 5 uska naam, 6 name, 7 name, 8th name. Now in search If I have only name, ठीक है
Then corresponding roll number I can search. ठीक है, कैसे? अगर ये लिस्ट में लिखा हुआ है देन आई कैन गेट इट द इंडेक्स वैल्यू. सो ए इक्वल्स टू इंडेक्स ऑफ, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया सपोज रवि करके डबल कोट, देन दिस विल रिटर्न सपोज रवि इज हैविंग रोल नंबर 5, रवि इज एट रोल नंबर 5, देन आई विल गेट द रिटर्न वैल्यू एज 5. मेरे को 5 करके रिटर्न मिलेगा एंड देन फ्रॉम दैट इंडेक्स आई विल नो दैट दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट इज हैविंग दिस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर और दिस इज द रोल नंबर दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट इज हैविंग. आई डोंट नो लाइक वोटर लिस्ट का वेबसाइट रहता है तो वेबसाइट पे भी यू कैन सर्च विथ योर नेम सरनेम. ठीक है, नेम लिख सकते हो, सरनेम लिख सकते हो, फादर्स नेम लिख सकते हो और उसको मिडल नेम वगैरह भी बोलते हैं, फैमिली नेम एक्चुअली. सो विद दिस लाइक इट टेक्स दिस थिंग, इट कंपेयर्स विद द डेटाबेस, डेटाबेस में कहां पे है. नाउ दिस एक्ट्स एज अ क्यूरी, क्यूरी करके एक्ट करता है ये. सो वी आर सर्चिंग फॉर द इंडेक्स एंड वहां पे ये वाला पार्ट काम में आता है. देन देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कॉल्ड एज काउंट. नाउ इफ आई हैव अ लिस्ट लाइक ए वेयर आई हैव 2 एंड देन 4 3 6 2 7 9 2 2 4 5. नाउ ऐसा बड़ा लिस्ट आ सकता है, बहुत बड़ा लिस्ट हो सकता है, राइट? बहुत बड़ा लिस्ट हो सकता है. नाउ व्हाट आई वांट इज ये लिस्ट में टू जो डिजिट है, दिस टू डिजिट अपीयर्ड हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, कितनी बार आया है वो हम लोगों को चेक करना है. वी नीड टू विश और वी विश टू चेक आउट हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स this 2 has appeared in this list. So this is 1 2 3 4 5, this has appeared 5 times. Now this is what the count will do. So if I do something like this, if I print the value of a dot count or kiska value 2 ka, so the 2 will be searched throughout this particular list. Ye 2 ko pure लिस्ट में चेक किया जाएगा और कितनी बार ये 2 आया है यहाँ पे ये लिस्ट में उसको वो काउंट को अपडेट करते जाएगा एंड फाइनली इट विल गिव यू द रिटर्न वैल्यू एज अ 5. सो लेट्स सी वेदर व्हाटएवर वी डिस्कस्ड अबाउट काउंट एंड योर इंडेक्स डज इट वर्क लाइक दैट. इंडेक्स मेरे ख्याल से हम लोगों ने देख लिया अभी. सो हियर इफ आई हैव समथिंग लाइक दिस A is equal to, ठीक है, मैंने A equals to एक लिस्ट 2, 4, 5, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 2, 2, then 4, 6, 5, like this. And now if I print the count, A dot count, the value of 2. So 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5 बार आया हुआ है. सो वील गेट द रिटर्न वैल्यू एज अ 5. सो यू कैन काउंट द वैल्यू विच हैज पर्टिकुलरली अपीयर्ड इन केस ऑफ योर लिस्ट. इवन यू कैन सर्च अबाउट द इंडेक्स, लाइक सर्च अबाउट द टेक्स्ट ऑल्सो. टेक्स्ट भी सर्च कर सकते हो, देर इज नो बिग डील अबाउट दैट टू ईदर. बहुत ईजी है टेक्स्ट सर्च करना भी और उस हिसाब से आप टेक्स्ट फाइल को भी मॉडिफाई कर सकते हैं. ओके, लिस्ट के बारे में ऑलमोस्ट वी हैड लाइक वर्कड आउट विद. फॉर लूप वगैरह जब देखेंगे हम लोग देन वील कम बैक हियर एंड वील ट्राई टू फिगर आउट. सो मैंने कल बोला था एक कि लिस्ट के बारे में हम लोग लाइक इफ आई हैव ए इक्वल्स टू लिस्ट फ्रॉम द रेंज 0, 1, लाइक 100, देन 10,
like this, and then if I print, I will get the range. So 0 se leke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Right. So this way we can go ahead with the list. ऐसा वाला list हम लोग use कर सकते हैं. यहाँ पे अलग अलग applications होते हैं जिसमें हम लोग को अलग अलग तरीके से list को use करना पड़ता है. तो please make sure that you understand list carefully. बहुत जरूरी है क्योंकि जितने भी tricky questions है उसके solution के लिए list बहुत काम में आता है and that will help you. Okay, there is another thing. एंड जब हम लोग लूप पढ़ेंगे ना तो बेहतर रहेगा, तभी इसका जाके थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा आएगा. देयर इज अ लिस्ट, अनदर लिस्ट रेंज फ्रॉम लाइक अगेन 1 to 11. ठीक है, 1 to 11. ठीक है, एंड इफ आई प्रिंट दैट वैल्यू ऑल्सो बी. So we got B also. So we got A and B. Now if I try to print A plus B, okay, A plus B, what will be the output of this? What will be the output? Can anybody tell me? Like, what will be this output? I will make the participant to unmute you. Okay, let me know what will be the output of this. Iska output kya aayega? Bolo. If this is the value and I want this, meko kya chahiye? A and B. What will be the output of this? Okay, this will be a concatenation. Actually, this is not going to add 0 with 1. This 0 and 1 nahi add hoga. Ye 0 aur ye 1 add hoke, ye 1 aur ye 2 add hoke, 3 deega. Ye 1 hoga, ye 3 hoga, iske baad ye 5 hoga, ye 7 hoga, ye 9 hoga, ye 11 hoga, 13 hoga, 15 hoga, 17 hoga, 19 hoga. Agar aisa dimag mein aa raha hai to nahi hota hai waisa. This will make a concatenation. ये दोनों list को join कर देता है ऐसा. It will be a big list of the numbers. ठीक है? This will join the list. Now if I wish to add individually, add अगर 1-to-1 index अगर add करना है तो then I need to use the for loop. For loop use करके हम लोग करेंगे. I will show you when we will be looking forward for that loop वाला part. जब हम लोग loop वाला part देखेंगे, we'll use that. ठीक है? Okay, let's continue on the next. Okay, now we will look forward for tuples. Tuples are almost same as that of your list, but only thing it is list are mutable, but tuples are not. What is mutable is the values inside these list can be changed. So what is mutable? Mutable ka meaning hota hai the values inside these. Agar main list likhta hu, now if I write the list 1 2 3 4, what I can do is a of like 1 agar 100 कर देता हूं तो I get the list as 100, then 2, 3 and then 4. So I can modify the contents. ठीक है, I can modify the contents. This list can be modifiable. No, modify कर सकते हैं इसके contents. And ये modify कर सकते हैं इसके लिए बोलते हैं इसको mutable बोलते हैं, mutant. Mutable. Against which, if I go with the tuple, if I have a tuple B,
It is defined inside a round bracket now. In not a square bracket, it's inside a round bracket. And if I write 1, 2, 3, 4, there is no possibility of B of 1 assigning 100. Ye accept nahi kiya jata hai. Because ye 1, 2, 3, 4 jo start mein value di hai, start mein values assign ki gayi hai, wo hi assigned value jo hai, usi ko intact rakha jata hai. It is in constant kind of stuff. It cannot be changed. It cannot be changed. So the major two differences are, one is list are defined in square brackets, against tuples are defined inside round brackets. Round brackets use karte hai usme. दूसरा लीस्ट आर म्यूटेबल, इसके अंदर जो भी वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, बट एट द स्टार्ट जो एट द बिगिनिंग इसमें लीस्ट टपल्स में लिखी जाती है जो वैल्यू, वो बाद में हम लोग चेंज नहीं कर पाते. दे आर नॉट म्यूटेबल, इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल, इम्यूटेबल और नॉट म्यूटेबल, इम्यूटेबल होते हैं. सो वी कैनॉट मॉडिफाई देम. सर जर त्याच्यातले व्हॅल्यूज मॉडिफाय करता येत नसेल तर हे कामाचं काय आहे? ठीक आहे, व्हॉट्स द पर्पज, लाईक इसका अप्लिकेशन क्या आहे, यूज क्या हो सकता है? तो अगर आप इमेजिन कर सकते हो कि आपका बैंक अगर डिटेल्स है डेटाबेस में, बैंक डिटेल्स में आपका जो यूनिक आईडी मिलता है बैंक, यूनिक आईडी अगर इंटरनेट बैंकिंग करते हो तो यूनिक आईडी शुड नॉट चेंज एट एनी कॉस्ट. कहीं पे भी प्रोग्रामिंग में कुछ भी होने के बाद आपका यूनिक आईडी जो है वो बदलना नहीं चाहिए. एंड दीज काइंड ऑफ एन डेटाबेसेस वेयर यू डोंट नीड मॉडिफिकेशन एट एनी कॉस्ट, डोंट नीड अ मॉडिफिकेशन एट एनी कॉस्ट, गलती से भी नहीं होना चाहिए. ऐसा अगर आपको डेटा क्लास चाहिए देन यू यूज द टपल्स फॉर दैट. अगर मैं यूनिक आईडी के बारे में बोलता हूँ तो दीज यूनिक आईडीज आर डिफाइंड, प्री डिफाइंड, स्टार्ट में एक बार आपको असाइन करने के बाद कहीं पे भी जाके वो चेंज नहीं होते है, या इवन आपके पूरे प्रोग्रामिंग थ्रू कहीं पे भी अगर आप चाहोगे तो ये यूनिक आईडी चेंज नहीं होती है. इवन योर अकाउंट नंबर भी चेंज नहीं होता है, अकाउंट नंबर भी अंटिल एंड अनलेस यू डिलीट दैट अकाउंट, और मतलब बंद कर देते हो या मॉडिफाई करके नया अकाउंट तैयार करते हो, नया अकाउंट ओपन करते हो, तब तक के आपका अकाउंट नंबर भी चेंज नहीं होता है. अकाउंट नंबर इज एन आल्सो एन यूनिक आईडी. सो ये वाले जो डेटाबेस में लगने वाले चीज है वहां पे टपल्स का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं होता है ना, आज मैं बैंक में गया मेरा अकाउंट नंबर कुछ तो है और एक 10 दिन के बाद गया आपका अकाउंट नंबर चेंज हो गया, ऐसे कभी बोलेंगे क्या? नहीं बोलते हैं कभी भी. सो फॉर दैट सेक, फॉर दैट काइंड ऑफ एन यू नो डेटा स्टफ द टपल्स आर यूज्ड एंड टपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव. सो लेट्स ट्राई टू मॉडिफाई एंड यूज दिस टपल्स. नाउ इफ आई डिफाइन टपल ए इज राउंड ब्रैकेट ए 1 2 3 4, नाउ यू कैन सी आई कैन प्रिंट ए. इफ I can read that value, A of 0 मैं read कर सकता हूँ, there is no big deal about it. If I run this, I get 1, 2, 3, 4 and then 1. I can read the value. But at moment, if I try to assign a value to an index 1, मतलब 2 की जगह पे मैं 100 लिख देता हूँ suppose. ऐसा करने की कोशिश करता हूँ तो it will give me an error now. It will give me an error. Check out, I cannot assign. Now, list are mutable, but tuples are immutable. ठीक है, immutable मतलब ठीक है, यहाँ पे ये line पे मेरे को error आएगा. Let's see. You can check what it tells. Tuple objects does not support item assignment. It does not support item assignment. ठीक है, we cannot modify them. मतलब यहाँ पे मैं append भी नहीं कर सकता हूँ. We cannot append also. Now, if I continue on this, like there are tuple methods. ठीक है,
यू कैन सी दैट ओनली काउंट एंड इंडेक्स इज देयर, बाकी कुछ नहीं होता है उसके ऊपर. देयर आर ओनली टू मेथड्स दैट वी कैन यूज. वन इज काउंट, कितनी बार सेम चीज रिपीट हुआ है. एंड अगर मेरे को कुछ सर्च करना है, कुछ सर्च करना है फॉर द इंडेक्स पर्पज, कि मेरे को ये लोकेशन किस कौन से लोकेशन पे है, अगर वो देखना है देन आई कैन गो विद दैट पर्टिकुलर. सो ओनली टू मेथड्स आर देयर टू यूज विद द टपल. ठीक है, सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग द टपल्स. टपल्स आर ओनली यूजफुल फॉर द सेक ऑफ डेटाबेसेस where you don't need any kind of a modification. Okay, let me take a pause here, and if you have any question, queries, doubt, feel free to ask them. Bolo. Okay, hopefully you are not having any question. Nevertheless, I will comment it out. Okay, yeah, so we cannot modify the tuples. Tuples are immutable, so we can use the tuple. We can use this range again. A equals to, agar main bolta hu 3, 4, 6, 9, 100, 135. Okay. Then, if I wish to find out the like index of 100, then I can print a dot index of 100. Now, 100 is at the index 4, right? So this is 0th index. This is 1, 2, 3, and 4. So you get the answer for this as a 4. And now if I go ahead with this, like if I put 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, then 5, 5, 5, I can also print about, if I print about a dot count 4, how many number of times 4 has appeared, how many number of times 5 has appeared. If I wish to know about it, I can go ahead with that. So the 4 has appeared 8 number of times. We can count on like 1, 2, 3, 4, 5, 6, this is 7, and this is 8. 8 times this 4 has appeared, and the 5 has been appeared 4 times. So this is like 1, 2, 3, and then 4. So 4 times this 5 has appeared. So we can count and index the, we can use these two methods on the tuples, but we cannot modify them. And even we cannot add them together, or we cannot concatenate them, because they are immutable. So as they are immutable, we cannot do that too either. Hopefully, you know, tuples are not that great asset for us, but they are very good when it comes to a non-modifiable, or we can say like immutable kind of stuff, where we don't need modification at any cost. वहां पे जब भी मेरे को कोई भी कांस्टेंट वगैरह चीज है जो मेरे को किसी भी हालत में चेंज नहीं होनी चाहिए, अनटिल एंड अनलेस आई डू इट इंटेंशनली, कुछ भी मैं इनिशियल वैल्यू के साथ कर उसको चेंज कर सकता हूँ तो ही उसमें चेंज होते हैं, नहीं तो वहां पे चेंजेस नहीं आते. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ टपल क्लास और टपल डेटा क्लास. लेट्स कंटिन्यू ऑन दैट नोट. वी विल नाउ टॉक अबाउट डिक्शनरीज. ठीक है, डिक्शनरीज रहते हैं. नाउ डिक्शनरीज आर हैविंग अ वैल्यू की पेयर. ठीक है, वैल्यू और की पेयर रहता है. सो हाउ द थिंग्स आर लाइक वर्क्ड इन द डिक्शनरीज. नाउ डिक्शनरीज व्हेनेवर दे डिक्शनरीज आर डिफाइंड, सो इफ आई टेक डी एज अ डिक्शनरी, दे आर डिफाइंड इन साइड अ कर्ली ब्रैकेट. नाउ आई कैन हैव ए एज माई नाउ एप्पल. हेलो. Yes. How to identify the tuple, right? Is a list or tuple, how to differentiate. Okay, सबसे सिंपल है, अगर राउंड ब्रैकेट में है, मतलब इफ इट इज इन राउंड ब्रैकेट, अगर मैंने इसको राउंड ब्रैकेट में डिफाइन किया है ना,
वो टपल होता है, और अगर मैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन करता हूँ चेकआउट, ये स्क्वायर ब्रैकेट में तो वो लीस्ट होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. लेट मी गो बैक इन. इफ आई डिफाइन इन समथिंग लाइक दिस, इफ आई डिफाइन ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड इफ आई डिफाइन बी इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4. सो दिस इज राउंड ब्रैकेट. राउंड ब्रैकेट है तो वो टपल है, राउंड ब्रैकेट है तो टपल. अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स है तो वो लीस्ट है. सिंपल एज सिंपल. एंड इसके आगे डिजिट में तो टपल कैसे होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल डिजिट? ब्रैकेट में. And didn't got a like a question. Single digit means what? Well, b equals to 1. This is the single digit. Ah, yes, sir. ये tuple ही है. This is also a tuple. अगर मैं round bracket में define कर रहा हूँ, तो this will be a tuple. Like, let's see. We'll go back here. String बात. String भी हो सकता है ना. String भी हो सकता है. Let's. I will take it up here. अगर मैं a इक्वल्स राउंड ब्रैकेट में 16 पुट करता हूं, सिंगल कोट में भी कर सकते हैं, डबल कोट में भी कर सकते हैं. नाउ दिस इज अगेन अ टपल. सो इफ आई डिफाइन, नाउ इफ आई प्रिंट टाइप ऑफ a, देन आई विल गेट इट एज टपल. नाउ दिस इज अ स्ट्रिंग. व्हाई इट इज स्ट्रिंग? बिकॉज इट हैज बीन डिफाइंड इनसाइड दिस. सो सर उसको कॉमा लगाने के बाद वो टुपल बताएगा. इफ आई कंटिन्यू ऑन दैट, यस. नाउ लुक व्हाई इट हैज मॉडिफाइड इन दिस फैशन. तो इसमें एलिमेंट्स रहते हैं ना, एलिमेंट्स को डिफाइन करते वक्त ये जो कॉमा है, कॉमा इज एन अनदर ऑपरेटर दैट वर्क्स इन हियर. इफ आई हैव मल्टीपल स्टफ लाइक 1, 2, 3, this is the string and I can have 1, 3, 4. This is the digit, actually it's a number, integer number. Now this will be a tuple again. This will be a tuple. But if I do this way and ye agar main karta hu, as it the round bracket we used it used for the sake of differentiating between the isme log ब्रैकेट ऑर्डर प्रायोरिटीज बोलते हैं ना, अलग अलग प्रायोरिटीज रहते हैं जिसमें हम लोग मल्टीप्लीकेशन डिविजन ये इसको प्रायोरिटी के हिसाब से उसको ऑपरेटर प्रिसिडेंस बोलते हैं उसको. तो ऑपरेटर प्रिसिडेंस में राउंड ब्रैकेट जब भी हम लोग यूज करते हैं तो राउंड ब्रैकेट के अंदर का जो चीज है वो पहले उसको सॉर्ट आउट किया जाता है. अब यहाँ पे कॉमा डालने की वजह से क्या होता है, दिस विल मेक इट एज अ टपल. अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट के बारे में बोलता हूँ तो स्क्वायर ब्रैकेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटर प्रिसिडेंस. ऑपरेटर प्रिसिडेंस में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे यूज नहीं करते, बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट वी स्पेसिफिकली यूज फॉर द इंडेक्सिंग, इंडेक्स एक्सेसिंग. तो यहाँ पे मैं अगर कॉमा रखता हूँ सिंगल एलिमेंट के लिए, देन दिस विल एक्ट एज अ टपल, अदरवाइज इट विल एक्ट एज अ स्ट्रिंग. इट विल एक्ट एज अ स्ट्रिंग, राइट? Yeah, thanks for the talking about it. This kind of a question may ask in the exam, so you will be in a better position to answer it. So related to the tuple, and if we go with this particular stuff, we can have these different methods to work on with, and we can have different stuffs also, even same stuff, if we go with a equals to another 1, 2, 3, and then if we go with 1, 4, 5, 4, 5, 5, or 4, 5, 1, 2, 3, 4, we cannot sort it, we cannot do any kind of a modification. That should be considered and that should be maintained at all the time. Okay, hopefully it's clear to you now. Agar hum log ye karte hai to, let's go ahead. A is for apple and B is for
bat. Let's do it for bat. And C is for ball. Okay. If I don't put a inverted comma or double quote, agar main nahi likhta hu, so this will consider the call as one of the variables and it will start searching for that variable, and that if it doesn't find that variable earlier defined somewhere in the program, then that will give an like error. We can go on like D is call. Okay, so we can go on like A B C D E F G S. This is a dictionary. Now if I print this particular D, yahan pe, okay, D mod Q. Now we get this dictionary. Now what is this? Is a key value pair. This called as key value pair. So if I print the D of like 0, you will get to know something error. Error. Okay. So why this has given error? Because key error. What is mean by key error? There is no key called as 0 here. There is no key called as 0. What are the keys here? Like A, B, C, and D are the keys here. Okay. So we haven't like checked out with that. Now if I write it something like this, if I go with B and if I run this now you can see that it has printed bad now. So the major difference between your least and dictionary is here. When we talk about list particularly, okay, agar main list likhta hu yahan pe, list is A, agar main yahan pe 120 300 250 900 aise likhta hu, to what I got here is by default the index by default is 0, index is 1, index is 2, index is 3. This index is created by default. This created by default. Ye indexes or indices jo hai wo default tarike se tayar hota hai. So if I try to access A of 0, I get 120. If I try to access A of 1, I get 300. Now this index is defined. Index is default. Now can I have user defined index? User khud uska index tayar kar sakta hai aur khud ka index tayar kar sakta hai jisko hum log key bolte hain. Key bolenge. And uske saath jo paired rehta hai wo value hota hai uska. So key and value pair rehta hai. Theek hai. This called as a pair. Key or value ka pair rehta hai. Now if I write something like this, because okay, now let's mark it as this. If I have a dictionary D something like this, now meko index 0 se nahi chalu karna hai, meko index 1 se chalu karna hai. So I can do that. So I will mark it as 1. I will mark it as 1 and colon, or 1 ko corresponding value likh dunga main 120, comma 2 ko main likh dunga 300, 3 ko likh dunga main 250, and 4 ko likh dunga main 900. Now this gives me a flexibility. Ye aise agar main likhta hu to this gives me a flexibility. Now if I access D of 4, then I will get the value as 900. Meko 900 karke value milega. So that gives a flexibility in case of dictionary. Let's do that. It is not necessary to have the dictionary of text or like digit. It can be a combination of both. So I can have 120,
two is like you can have 300, three is having like 400 or 4000, like 420, or four as like 700, sort of any value. Like now if I try to print the value of d of 4, now if I run this one, I will get the value as 700. But out of this index, instead of 4, if I try to print the value, now ye wala index ya a wala key hai hi nahi, jo exist hi nahi karta hai, usko access karunga main, to kya hoga? It is going to give me, because key jo 8 hai wo exist hi nahi karta hai. Now I can, instead of 3, I can put it up 8 here. I can put it up 8. Now I will get as in 420. Meko 420 yahan pe output. So the major difference when we talk about dictionaries, so dictionaries jo hai wo curly brackets mein rehte hain. Curly brackets. The major difference between these is curly brackets. It's a curly bracket. We need to take it out. Okay? So curly bracket से मेरे को क्या समझ में आता है, ये dictionary हो सकता है बोल रहा हूँ मैं. यहाँ से आगे हम लोग और एक देखने वाले हैं चीज, तो that will be very useful, which is called as a set theory. And यहाँ पे curly brackets रहते हैं और key value pair रहता है. Now this is a key and this is a value. So if you have a key value pair and curly brackets, then we can call it as a dictionary. We can call it as a dictionary. So hum log usko dictionary bol sakte hain. The dictionary can be like a mixture of number of numerical values, or you can have a text also. Okay? So if I run this now, I will get it as a text. So we can modify it as per our requirement. So agar main database ke hisab se sochta hu company mein, so why dictionaries are important? Now the dictionaries are important when you have username password kind of stuff, username and uska corresponding password. Now if someone put up the username and password ka combination ka dictionary rakh diya, theek hai, and now aapka username aapne dal diya, ठीक है, you have put it up your usernames, so my user, ठीक है, ये my user is your username. अगर आपने ये username use कर लिया, insert कर लिया, password जो हो आपने डाल दिया, ठीक है, so what it will do is ये dictionary मैं encrypt करके भी रख सकता हूँ. What is mean by encryption? उसको अलग तरीके से scramble करके रख सकता हूँ. और जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाला है, अभी यूजर नेम विल एक्ट एज अ की, इट विल एक्ट एज अ की. फ्रॉम दिस डिक्शनरी आई विल इंसर्ट दिस की एंड आई विल रिट्रीव द पासवर्ड व्हिच इज स्टोर्ड इनसाइड योर कंप्यूटर और इनसाइड योर क्लाउड स्टोरेज. एंड जो आपने रन टाइम में पासवर्ड डाला है, ये पासवर्ड, और जो मैंने यहाँ पे रिट्रीव किया है डेटाबेस से, इन दोनों का कंपैरिजन, ये कंपैरिजन अगर ट्रू निकलता है, मतलब दोनों के दोनों सेम निकलते हैं, देन आई विल ऑथराइज यू टू एक्सेस आई विल प्रोग्राम ऑथराइज करेगा आपको एक्सेस करने के लिए. तो ऐसे ही होता है, आपके यूजर नेम और पासवर्ड जो होते हैं एक डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर होते हैं. यूनेम बोलते हैं, यूनेम एक्ट्स एज ए इंडेक्स जो यूनिक रहते हैं, और पासवर्ड उसके करस्पॉन्डिंग जो रहता है. तो ये डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर होते हैं, ठीक है. यहाँ पे यूजर नेम पहले जब भी आप इंसर्ट करते हो, तो वो यूजर नेम अंदर जाता है डेटाबेस में, जहां पे आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त कुछ पासवर्ड रखा रहेगा वो वाला. So that password gets retrieved back. That password gets retrieved. And जो आपने यहाँ पे लॉगिन करते वक्त डाला है, that password. So ये वाला password और जो ये retrieve किया हुआ password है, ये दोनों को compare करके check किया जाता है कि बाबा whether
have written a proper password or not. Agar yahan pe kahin pe bhi galti hoti hai, to you will not be authorized to access the contents or access the login karne nahi deta hai. Ye wrong password karke bata deta hai and it gives you back the same page. ठीक है, तो डिक्शनरी का सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये होता है. ठीक है, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स दैट वी कैन अप्लाई. हम लोग अलग अलग मेथड्स जो लिस्ट पे है वो बिकॉज इट्स अ सॉर्ट ऑफ मॉडिफाइबल लिस्ट. ठीक है, तो हम लोग इसमें अपेंड वगैरह भी कर सकते हैं. वी कैन डू द स्टफ लाइक दैट. सो इफ आई हैव दिस लिस्ट एंड आई कैन कॉपी दैट लिस्ट and if I wish to append that contents, so if I print the d only and if app, okay, now what is mean by append? We can insert the thing. What we need to insert is a key value pair. Hum log sirf ek cheez nahi laga sakte, theek hai, ek hi cheez nahi rakh sakte. So if I go to the methods related to dictionary, you can go on, like you can see that वो बहुत सारी सभी methods यहाँ पे भी काम करती है, sorting का वगैरह. ठीक है, so you can have that sort methods. Item keys, these are like very very important items. मतलब list of all the values that we have. Like key value pair, ठीक है, जो इसके साथ paired है, and this is like keys, ठीक है, so keys is like returns the list of contents, keys रहती है उसको, and instead of append, there is a like method called as an update actually. So specified key value pair, अगर मेरे को उसमें append करनी है, तो need to use the update kind of an method. तो देखो, and I will let you know, you know, ये सब रटने की जरूरत नहीं है, and ये भी expected है कि आपको ये basic जो knowledge है, जो required knowledge है, ये आपको काम में आएगा. कब आएगा? अगर उसको use कैसे करना है ये समझ में आया तो. We can always go through the documentation. Documentation देखने के लिए कभी कोई भी आपको मना नहीं करे. लेकिन जब भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी चीजों की, हाउ टू यूज इट, हाउ टू गेट वैल्यूज, व्हाट इज मीन बाय आइटम्स, लाइक विल डू दैट. इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन अपडेट दिस. अपेंड की जगह पे अपडेट होता है. नाउ आई कैन पुट अप द की वैल्यू पेयर एंड I can update this particular dictionary. Similarly, if I d dot for the keys for this particular dictionary key, keys. So you can see that ये एक list बना दिया उसने. डिक्शनरी कीज करके एंड वी गॉट. सिमिलरली इंस्टेड ऑफ कीज वी कैन गेट द आइटम्स. व्हाट इज मीन बाय आइटम्स इज इंडिविजुअली 120 इज अ की एंड 120 इज अ वैल्यू. ये दोनों का जो पेयर बनता है दैट इज कॉल्ड एन की वैल्यू पेयर एंड इट इज कॉल्ड एन. सो दिस इज द आइटम प्रेजेंट इन द डिक्शनरी. सो ये क्या है बोलो, व्हाट इज दिस? यस पीपल, व्हाट इज दिस? इट इज शोइंग इन द फॉर्म ऑफ टपल. इट इज शोइंग इन द फॉर्म ऑफ टपल एंड दिस इज नथिंग बट योर लिस्ट. सो लिस्ट ऑफ टपल्स के फॉर्म में दिखा रहा है. This showing in the form of list of tuples. ठीक है, but सिर्फ दिखाने के लिए दिखा रहा है. We can modify them. We can always. ठीक है,
सो इफ आई विश लाइक इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट मेरे को यहाँ पे कुछ अलग चीज चाहिए तो आई कैन डू इट दिस वे. एट इज असाइंड इंडिया. ठीक है. नाउ आई कैन प्रिंट दी. ठीक है. Now you can see that instead of the text, it has been modified as India here. So individually, you can assign the values to a particular item. You can modify that. You can change the value. Even you can change the index. But index change करने के लिए आपको अलग तरीके से use करना पड़ता है. But we don't. आपको मालूम है कि ये लगने वाले हैं तो यू शुड हैव डिफाइंड इट अर्लियर इटसेल्फ. तो डिक्शनरी मेजरली किस चीज के लिए यूज होती है और हाउ दिस थिंग्स वर्क फॉर यू यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस. ठीक है. लेट्स कंटिन्यू ऑन दैट नोट. नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन क्यूरीज फील फ्री टू आस्क देम. लाइक इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और अ क्यूरी एंड देन वी विल गो अहेड विद दैट. So we can have keys, we can have items, we can have values. Values kar dunga to it will show me the all values like 120, 300, text and 700 are the values that I will get. Okay. Shall we go ahead then? Yes, we will. Okay. So, likewise, we can go on like with the dictionary also. हम लोग अभी dictionary को modify करके देखेंगे आगे जाके. So, how the dictionaries can be modified. So, these are the different data types that we can use. Like another data type that we will take up, and from that onwards, like we'll start talking about the different examples by utilizing this dictionaries and your list and tuples. We will try to formulate some stuff like alag alag cheeze hum log modify karne ki koshish karenge. Yes, is there any question? Okay. Let's talk about set. I don't know like if you remember or not set theory jo rehta hai na. So if I have this as universe, this is like A, set A. Now set B, the shaded part here is called as A union B. राइट बराबर है गया पूरा रादर आई विल शो यू द यूनियन इज दिस यूनियन पूरा रहता है दिस इज यूनियन ये पूरा पूरा और ये जो दिस इंटर सेक्शन इंटरसेक्शन रहता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन. ठीक है. यूनियन इज स्लिट स्टफ एंड बी जब भी पूरा ये कर रहे हैं इट्स अ यूनियन काइंड ऑफ स्टफ. सो इफ आई हैव समथिंग लाइक सेट थ्योरी इज अ बेस फॉर प्रोबेबिलिटी. ठीक है. ओके. सेट थ्योरी हैव यू केम अक्रॉस एनी डे कभी पढ़ा है क्या सेट थ्योरी. हैव यू एवर केम अक्रॉस सेट थ्योरी प्रोबेबिलिटी. यस पीपल. लाइक आवाज आ रहा है ना सबको. Yes.
sir. Okay. So, have you ever studied this set theory? Have you came across at any moment of time in life? जब भी अभी तक के जितना भी मैथमेटिक्स रिलेटेड हैव यू केम अक्रॉस दिस स्टडी ऑफ यस नो लेट मी नो लाइक उसके हिसाब से मैं सिखाने की कोशिश करूंगा फिर यस सर मतलब यू नो राइट एटलीस्ट यू नो द वर्ड्स रिलेटेड टू दिस सेट थ्योरी कि व्हाट इज मीन बाय इंटरसेक्शन व्हाट इज मीन बाय यूनियन So let's yes, imagine that A is having 4, yes, 9, right? And then B is 5, 6, 3, 2, 11, 15. Now, set theory, जबी भी हम लोग बात करते हैं, set में, ठीक है? We... Even if we get multiple number of times the same digit, like 2, 2, 2, 2, like 1, 3, 4. The appearance of this multiple stuff also considered only single times. Single time. Isko bhi single time hi consider kiya jata hai. This is one of the outcome. One of the outcome hai ye. Wo kitni baar aaya hai, uska lena dena nahi hai filhal. What is the purpose? This is one of the outcome. So set theory mein, this is called as one of the outcome and usko ek hi dafa likha jata hai. And I will show you how this thing happen and how this thing work also. Now if I do something like this, A union B. So if I do the A dot union B, A dot union, union is another method. We can use it. So union is method. Even intersection is a method. So agar main ye karta hu, to I get the outcome as 1, 2, like 3, 4, 5, 6, then 9, then 11 and 15. Here, this 3, 2 and this 3, 2 are common. 3, 2 are common and they are considered only once. These are considered only once. And rest of the others are unique and they are taken it as it is. So, if 3 or 2 are repeated, then they are taken one time. But they are still. Now, this is the union. This is the union. If I intersection, karta, if I would have done the intersection of this, if intersection, bolta main, intersection is another method. A dot intersection B. तो मेरे को output सिर्फ 2 and 3 आता, जो दोनों में common है, जो दोनों में common है. Now why? What is the purpose to use this set theory? कैसे modify कर सकते हैं, कैसे use कर सकते हैं, वो भी बता दूँगा आपको. So it will be easy for us to understand the things. So let's try to work it out inside this particular stuff. Now, if I go with this dictionary, so this is also defined in curly bracket. The sets are also defined inside curly bracket. If you have 1, 2, 3, and then 4, then 9, then like 2, 2, 2, 3, 3, 3. Even if I define it this way, if I try to print the value of A now, you will come to know that in the set theory, the occurrence is considered only once. Usko ek hi baar liya jata hai. Usko ek hi dafa liya jata hai. That is the beauty. So, ye jo hai, wo, matlab, ye set jo hai, अगर मेरे पास कोई टेक्स्ट आ रहा है जिसमें रिडंडेंट डेटा बहुत ज्यादा रिपीटेडली रिडंडेंट डेटा है तो वहां पे रिडंडेंट मतलब वो काम का नहीं है सिर्फ रिपीट होके आ रहा है इन दैट सिनेरियो दिस सेट थ्योरी कैन बी यूज्ड टू मॉडिफाई नो सेट वेरिएबल कैन बी यूज्ड एंड दैट कैन बी यूज्ड टू मॉडिफाई द थिंग्स
मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है, ठीक है, वो मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है. सो लेट्स डू दैट थिंग. सो वी कैन डिफाइन अनदर सेट एज 5, 6, 3, 2, then 1, and then you can have 11, 15, 19. So I can print B also now. So if I run this, I get these values. So 1, 2, 3 is common in both. And let's do the union part of that. So if I write print A dot union, okay, with B. Now, if I do the union, you can see that it has added 1, 2, 3, which is common in both, then 4, 5, 6, 9, 11, 15, 19. So, likewise, I got the values. Now, the value which is appeared can also be a negative. I can have a minus 19 also. There is no big deal about it. I can have minus 19. So, there is no problem about the. And the order at in which this thing appear is not defined. ठीक है, ये defined नहीं है कि कौन से order में ये appear हो. So this is one of the outcome. So we can have a like minus number also. This is not a big deal. And then there is an intersection also. We can print A dot intersection. ठीक है, with the B. So you can see that only 1, 2, 3 is common between these two. Only 1, 2, 3 is common in between these two. So likewise, we can perform other mathematical operations which are related to the set theory, intersection, hai, union, hai, even complement of the art. Hai, baki bhi kar sakte. Usually this set theory is more useful in case of image processing based application jahan pe hum log ko बड़े वाले इस पे फिल्टर के लिए अप्लाई वगैरह करना रहता है तो वहां पे काम में आता है ये चीज. बट डोंट नीड टू वरी अबाउट, एटलीस्ट यू शुड नो कि बाबा एग्जैक्टली क्या होता है सेट थ्योरी एंड हाउ द थिंग्स वर्क फॉर यू. सो व्हाट वी हैव डन टू इज वी हैव गॉन थ्रू डिपार्टमेंट. We have already yesterday seen with the string dekha tha hum logon ne, and then we started with the list. Some part of list we have seen today. Then we have seen the tuples, and then we have seen the dictionaries. Okay, we have seen the dictionaries, and later we studied about set. So ye sab jo alag alag hai, isme se least very important hai, very important. That is most of the time is like it is used. Dictionaries are also important. They are used. Tuples and sets are required like as per the requirement they are used. And string is widely used for handling the data. Jahan pe bhi application orientation. Alag alag orientation ke hisab se use hota hai. Now, jis hisab se aapko zarurat rehti hai. Let's continue on that note, and we'll now go with the loop statement. Loop statements, there are two loop statements. One is for loop and the other one is while loop. Okay. For loop bahut alag alag tarike se use hoti hai, jo isme use karna hai hum logo ko index ke liye. And there is a multiple combination. For loop can be used with list. It can be also used with tuples. It can also be used with the dictionaries. In combination, hum logo ko, combination mein hum log use kar sakte hai, ye cheezo ke combination ke saath. So we can have a directly access to a list and you can use the for loop also. So likewise, we will do that. Now, whenever you are using the for loop for x in range 0 to 10, what I want to print the number. Print. So, यहाँ पे मैंने colon use किया तो मैं कोई indent छोड़ना पड़ता है यहाँ पे. So, we need to say like say the indent of this
spaces. So print the value of x. So every line it will print the value. Every line it will print the value. So by default जब भी मैं print statement use करता हूँ at the end, तो हम लोगों ने अभी तक के slash n वगैरह देखा नहीं, इसमें भी slash n वगैरह होता है, but we haven't used exclusively. हम लोगों ने अभी तक के इसको exclusively use नहीं किया हुआ है. We will try to understand that in coming like examples. So slash n, slash r, slash e वगैरह जो भी है, उसमें से जितने भी useful है, हम लोगों को काम में आने वाले. Then there is an end. End character क्या चाहिए? हर एक print statement के end में क्या होना चाहिए? वो end character होता है. तो हम लोगों को end किस चीज से करना है? वो भी हम लोग define कर सकते हैं. So let's see how the for loop work. ठीक है? So yeah. Okay, let's continue. Okay. Now I was talking about for loop. For x in range 0 to 10. कोलन डालने के बाद इंडेंट अपने आप आ जाता है, प्रिंट द एक्स वैल्यू. सो दिस विल प्रिंट द 0 टू 10 और 0 टू, अभी 0 टू, ये 10 तो एक्सक्लूड किया जाता है रेंज में से. सो आई गेट 0 टू 9. सो आई गेट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9. So you can see that for every like character, I got an end with the slash n. By default, वो slash n कर देता है. मेरे को ऐसा नहीं चाहिए. Now I can do that end equals to, मेरे को end की जगह पे comma चाहिए. तो I can do that as a comma. तो ये for loop में x की value पहले बनेगी 0. 0 आने के बाद यहाँ पे 0 print होगा. 0 के बाद बाय डिफॉल्ट जो स्लैश n हो रहा था, जो स्लैश n हो रहा था, उसकी जगह पे मैं एंडिंग विद तो कॉमा, तो 0 के बाद कॉमा आ जाएगा. यहाँ पे कॉमा आने के बाद आगे आएगा x की वैल्यू 1 बनेगी, तो 1 उसके आगे आएगा. सो आई विल गेट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन स्ट्रेट वन लाइन. सो लेट्स सी. सो यू कैन सी दैट इंस्टेड ऑफ एवरी न्यू लाइन आई एम गेटिंग इट एट दिस. So this is the end character that we should be using. Which end character? Abhi, instead of comma, I want a hash in between. Meko har ek iske beech mein hash chahiye. So what I can do is end with hash. So for 0, it is ended with hash. 1, it is ended hash. Likewise, it will end it value with the hash. Okay? So I was talking about giveaway. This is the way we can use. Now for loop can also be used with the help of dictionary or with the help of in the case of your list also. So if I try to show you the example, ye iska aage hum log alag alag example lenge, don't worry about it. Yahan pe agar main आपको बोलता हूं कि फॉर लूप यूज करना है, ठीक है, और वो भी डिक्शनरी या लिस्ट के ऊपर, तो आई कैन हैव ए इक्वल्स टू लिस्ट में मैं लिख सकता हूं एक एप्पल, ठीक है. आई कैन राइट इट एज 1, आई कैन राइट इट एज टेबल, आई कैन राइट इट एज 3.04 और 3.1416, ठीक है, इस वैल्यू ऑफ पाई, राइट. एंड देन आई कैन हैव सोलापुर, देन आई कैन हैव मुंबई, ठीक है, आई कैन हैव पुणे, राइट. एंड देन आई कैन हैव 400, ठीक है. सो दिस इज द लिस्ट.
अब ये लिस्ट के अंदर जितने भी अलग अलग आइटम्स है, नो एप्पल इज वन ऑफ द आइटम, वन इज अनदर आइटम, टेबल इज अनदर आइटम, 3416 इज अनदर आइटम, सोलापुर इज अनदर आइटम, मुंबई इज अनदर आइटम, पुणे इज अनदर एंड 400 तो अलग अलग है. नाउ व्हाट आई कैन डू इज फॉर आइटम्स इन ए कॉलर प्रिंट आइटम्स. What it will do is it will list all the items one by one, एक के नीचे एक सभी आइटम्स ये लिस्ट आउट करेगा. ठीक है, इट विल शो वन बाय वन ऑल द आइटम्स. सो इफ आई शो यू, इफ आई रन दिस फॉर लूप, आइटम्स सिर्फ मैंने नाम के लिए लिखा है, आई कैन राइट इट हियर टी वाई क्लास ऑल्सो. यहाँ पे टी वाई क्लास विल एक्सेस दैट आइटम्स. टी वाई क्लास इज अ वेरिएबल विच विल बी लुकिंग फॉर द आइटम्स इनसाइड दिस ए. ए के अंदर जो भी है उसको एक्सेस करना है. टी वाई क्लास क्या करेगा, इसके अंदर क्लास को एक्सेस करेगा. सो लेट्स सी व्हाट वी गेट इट एज. सो यू कैन सी दैट एक के बाद एक एप्पल वन टेबल 3.1416 सोलापुर मुंबई पुणे 400. So whatever we had written inside this defined and printed like that. Now I can also end with this end equals to, I can take the end as comma. So it will be in this way it has to be appeared like apple one. So हर एक इसमें comma आया हुआ है. Everywhere it is giving me a comma as a separator. So this has ended with the comma. Now, आर यू गेटिंग इट? ये समझ में आ रहा है सबको? यस, सेम वे आई कैन गो अहेड एंड आई कैन डिफाइन द डिक्शनरी. आई कैन डिफाइन द डिक्शनरी एंड आई कैन यूज दिस. सो इंस्टेड ऑफ लिस्ट आई कैन यूज द डिक्शनरी ऑल्सो. And even in case of tuple also I can use it. So likewise you can use the for loop. Now आगे का जो मैं अभी बताने वाला हूँ इसके आगे का वो for loop का. Now for loop in list, ठीक है, for loop inside a list. अभी मेरे को एक list बनाना है using for loop. तो how I can do that? So that is also one of the very interesting stuff. ठीक है, तो इटरेटिव नेचर ऑफ फॉर लूप या इटरेटिव लिस्ट बोलते हैं उसको, हम लोग तैयार कर सकते हो. एंड इवन वी कैन गो ऑन विद द पार्ट ऑफ गेटिंग इनटू द, नो मैंने बोला था एडिशन करना वगैरह है तो ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं हम लोग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. So let's see how we can do that. Now, A equals to, ये थोड़ा सा समझाया, थोड़ा सा जड़ गई, but you can items, ठीक है, items for item in range 0 से लेके 10. Now I can print the value of A. We'll get it as. You can see that what it has done is it has taken this item. Now instead of item, मेरे को ये पता लूंगा कि ये for loop जो है, हे जरा पटायला जरा वेळ लागतो किंवा समजायला किंवा एक्सेप्टन्स जो आहे तो थोडा सा कमी राहतो आपला. हे असं कसं व्हायला लागलं, हे काहीतरी विचित्र दिसायला लागले. मला काय करायचं, एक फॉर लूप बनवायचं आहे. फॉर लूप मध्ये 10 एलिमेंट्स पाहिजेत. 10 एलिमेंट्स मला काय करायचे असे लिहायचे. मला आता प्रत्येक 10 एलिमेंटचा स्क्वेअर प्रिंट करायचा आहे. आय आय कॅन हॅव अन आयटम मल्टिप्लाय बाय आयटम. आय आय कॅन टेक इट इन साइड द ब्रॅकेट
एंड फॉर आइटम इन रेंज 1 to 11 ले लेंगे, ठीक है, सो दैट आई विल गेट द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द वैल्यूज एज अ लीस्ट. ठीक है, यू कैन सी दैट आई गॉट अ स्क्वायर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 and 100. तो ये फॉर लूप के अंदर अगर मेरे को ऐसे ही करके और एक बनाना है और बी, जहां पे मेरे को आइटम की जगह पे मेरे को 10 जीरो चाहिए, मेरे को 10 जीरो चाहिए, तो व्हाट आई कैन डू इज दिस वे, इफ आई डू आई गेट 10 टाइम्स 0, 10 टाइम्स 0, इवन आई वॉन्ट 10 टाइम्स 100 या 10 टाइम्स 10, आई कैन गेट दैट. सो ये जो भी है यहाँ पे हम लोग जो लिखती है वैल्यू, वो फॉर लूप में जितना भी आपका रेंज दिया हुआ है आपने, उस हिसाब से वो उतनी दफा उसको एग्जीक्यूट करता है. नाउ इफ आई मेक इट एज 6 ईयर, इट विल प्रिंट 5 टाइम्स. ठीक है, सो यू कैन हैव दिस 10 5 टाइम्स. सो यू कैन यूज इट. नाउ दिस इज द इटरेटिव नेचर ऑफ फॉर लूप दैट इज यूज्ड फॉर the creation of list. List के creation में हम लोग use कर सकते हैं इस for loop को. Now, ये चीज पे थोड़ा सा और focus करो, मतलब it will help you in understanding this, because ऐसे वाले statements पूछे जाते हैं and there are like tricky kind of stuff like look what will be the output of this. अगर हम और ऐसी वाली चीज हम लोगों ने सी लैंग्वेज वगैरह में देखी ही नहीं है, अगर आपने कभी देखा है तो. अगर सी लैंग्वेज देखा ही नहीं है तो दिस इज लाइक अननोन टेरिटोरी. दोज हु डोंट नो अबाउट सी लैंग्वेज डोंट वरी अबाउट इट, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. ओनली थिंग इज दिस विल बी अ वेरी न्यू स्टफ फॉर यू ऑल कि बाबा ये ऐसे कैसे हो सकता है. नाउ दिस इज द ब्यूटिफुल थिंग दैट यू कैन हैव अ कॉम्पैक्टनेस इन योर नाउ वेरी कॉम्पैक्ट आउटकम ऑफ योर पर्टिकुलरली प्रोग्राम. ऐसे ही प्रोग्राम अगर आपको यूजिंग सी लैंग्वेज लिखने रहते हैं तो यहाँ पे 10-10 लाइन का कोड आपको लिखना पड़ता है. तो अगेंस्ट दैट हियर इट वर्क्स इट इन सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन में ये कोड हो जाता है पूरा. तो दैट्स द मॉडिफिकेशन, दैट्स द स्पेशल स्टफ पर्टिकुलरली दिस पाइथन लैंग्वेज पजेस. ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड दिस? वी विल टेक अनदर एग्जाम्पल देन. Look, if I have something like this, if I go back here, okay, I will use another slide. Let us imagine that mere paas equation hai, y is equal to 3x minus. ठीक है, एंड आई नो दैट x की वैल्यू मूव करती है फ्रॉम 0 से लेके 5. ठीक है, x की वैल्यू 0 से 5 है. ये देखो ना, अभी ये इक्वेशन हम लोग तैयार करेंगे यहाँ पे और प्रिंट भी करेंगे. सो x की वैल्यू क्या क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है. 0 to 5 है. ठीक है, इट इज फ्रॉम 0 to 5 दैट वी हैव ऑल द वैल्यूज. So what will be the range that we will be taking in for loop? Range will be from 0 to 6 because we wish to include 5 also. 0 to 5 hai, so mera range jo hai wo 0 to 6 rahega, because 0 se leke n minus 1 rehta hai, n minus 1 gives me 5 here agar main yahan pe 6 use karta hu. Now what will be the value of y? Y will be 3x minus 2. So pehle is case mein mere ko minus 2 milega, kyunki agar main yahan pe 3 into 0 माइनस टू करता हूँ तो दैट विल गिव मी अ वैल्यू. 3 into 0 विल बी 0, माइनस 2 विल बी द आंसर फॉर दिस. नाउ अगर मैं 1 करता हूँ इंस्टेड ऑफ x, अगर मैं 1 इंसर्ट करता हूँ तो 3 multiplied by 1 minus 2, दिस विल बी 1. नाउ इन केस ऑफ दिस 2, 3 2 6, माइनस 2 विल गिव मी अ 4. अगर 3 है, 9 minus 2 is 7. अगर 4 है, 4 3 is 12, minus 2 is 10. अगर 5 है, 5 3 is
15 minus 2 is in 30. So this is out. Yeah, this is what we will get it as the y. Now if I define this in the form of equation in this fashion, if I define c equals to 3 times x minus 1, okay, for x in range from 0 to 6, what should be the value of I will be taking it as in y so that it will not be a confusion point. Now what value of y will be printed? So minus 2 jo hum logo ne yahan pe define karke nikala, minus 2 1 4 7 10 13, so we'll get that. So minus 1 2 5 8 11 14, right? Why, like minus 1 2 5 8. Oh yes, 3 threes are 9. It is 3 threes are 9, right? Agar main 3 karta hu, it should be 3 threes are 9 minus 2. Aray, yes, we have subtracted minus 1 here. It should be minus 2. Okay, now it will be. So minus 2, 1, 4, 7, 10, 13. So whatever we had defined and we had thought of, we have got the equation. Okay. So jo equation hum logo ne likha tha, us hisab se hum logo ko output mila. So we can use it for the solution of the equation also. Check out. So if I have a different range, abhi to maine manually kiya hai. Agar main koi yahan pe pehle 10 number ke liye kya aata hai, wo dekhna hai. So you can see that the range has increased. Agar meko 3x ki jagah pe 2x karna hai, 2x karke, so I get that as minus 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 16. So on and so forth. This is the beautiful stuff that you can work out with. Ye bahut easily work out hota hai. So you have mathematical solutions for this. Mathematics bolne ke baad hum log ko thoda sa dar lagta hai ya hum log अपने खुद के सिस्टम्स को शट डाउन करते हैं, बट मैथमेटिकल इज द ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड दैट यू कैन प्ले इट विद इजीली, यू कैन डू इट, एंड ये पर्टिकुलर लैंग्वेज आपको चांस देता है कि यू कैन वर्क आउट विद दिस पर्टिकुलर स्टफ वेरी इजीली. ठीक है, होपफुली यू आर गेटिंग इट व्हाट एग्जैक्टली आई विश टू टॉक अबाउट. Now I will take a pause here and will like ask you, whatever so far we had gone through, have you understood this? Like, aapko samajh mein aa raha hai what we had seen so far? Yes. Yes, sir. Great. Yes, sir. I will go to the Python training. Yeah, looks good. Okay. Okay, I will show you so far what we had seen. If you go through it, like you can see that we are going with like basic fundamentals and uske baad string manipulation dekha. So we have seen introduction of the list, uske baad tuples dekha, accessing the tuples dekha, working dekha, accessing the values in dictionary dekha, dictionary dekhne ke baad set dekha, how the set thing work, and then we have seen the for loop so far, right? Now we'll look forward for the while loop also. The for loop to dekh liya hai, we'll check out with the while loop now. So for loop hone ke baad abhi while loop bhi dekhne wale hain hum log. Theek hai, we'll see the while loop also.
बट दिस हाउ वी हैव सीन सो फार एंड नाउ आगे जाके हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट ब्रेक कंटिन्यू वगैरह देखेंगे एंड देन वील स्टार्ट विद द फंक्शन मॉड्यूल्स एंड इनपुट आउटपुट वगैरह देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड ऊप्स कंसेप्ट थोड़ा सा आगे का पार्ट है जो लाइक एडवांस्ड वर्जन है एंड जो इसके अलावा भी जो पैकेजेस हम लोग मॉड्यूल बोल रहे हैं ना ये वाला जो तुम लोगों का सीपीसी ट्रेनिंग में चल रहा है वहां पे ये जो मॉड्यूल्स है अलग अलग मॉड्यूल्स इंसर्ट करके पांडास का मॉड्यूल है या एनएलटीके है या नंपा है साइपा है ये जो है वो ये एडवांस वाले कंसेप्ट में आता है जो आई वोंट बी गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ हाउ दे आर यूज्ड और हाउ दे आर यूज कैसे करना है वगैरह अभी चल रहा है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उसको इम्पोर्ट कैसे करते हैं उसको क्या बोलते हैं वहां उनका डेफिनेशन कैसे लिखा गया है वो सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो दैट विल बी अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ इट एंड विल विल ट्राई टू सी इट द हाउ टू राइट द थिंग्स इनसाइड अ फाइल फाइल के अंदर कैसे लिख सकते हैं हम लोग एंड देयर इज एन कांसेप्ट कॉल्ड एज एन एक्सेप्शन हैंडलिंग दैट वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर इन द कमिंग सेशंस And then there are like OOPS concept which are like object-oriented programming के concept कैसे होते हैं और क्या है वो specially and इसके बाद अगर time permit करता है तो we will go for the regular expression उसको बोलते हैं regular expressions that we will go for the study of the regular expressions so far we have gone through the while loop so let's see what exactly the while loop is and how the while loop works so instead of like for loop we can use the while loop also so if I have a like a while and if I define something like this x equals to 10 suppose and while x is less than while x is greater than 5 और आई कैन टेक इट एज ग्रेटर देन 1 कुल जब तक के वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 है तब तक के चलेगा क्या चलेगा प्रिंट द x वैल्यू एंड एवरी टाइम आई विल बी मॉडिफाइंग द वैल्यू ऑफ x x इज -1 कर दूंगा मैं हर बार x की वैल्यू मैंने आई स्टार्टेड इट विद 10 तो 10 का 9 होगा 9 का 8 होगा 8 का 7 होगा 7 का 6 होगा 6 का 5 5 का 4 4 का 3 3 का 2 2 का 1 हो जाएगा लेकिन 1 होने के बाद 1 cannot be less than 1 1 कभी भी 1 से छोटा नहीं होता है 1 is not less than 1 और 1 is not greater than 1 ठीक है 1 is never greater than 1 और 1 is never less than 1 1 is equal to 1 यहां पे equal to 1 तो हम लोग नहीं देख रहे while x is greater than 1 मतलब यहां पे x की वैल्यू अगर 2 है तो द कंडीशन इज ट्रू ठीक है कंडीशन इज ट्रू अदरवाइज इट्स अ फॉल्स कंडीशन लेट्स सी वेदर व्हाट वी हैड थॉट ऑफ हम लोगों को ये दिखता है कि नहीं सो यू कैन सी दैट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 नो 1 ठीक है नो अगर मेरे को 1 चाहिए तो यहां पे आई विल टेक इट एज 0 सो आई विल गेट द 1 आल्सो सो यू कैन सी दैट फ्रॉम 10 डाउन टू 1 अगर मेरे को यहां पे 0 भी चाहिए तो व्हाट आई कैन डू इज लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू बोल दें एंड देन आई विल गेट इट एज 0 ठीक है नाउ ये हर एक नए लाइन की जगह पे यहां पे एंड इक्वल्स टू डबल कोट कॉमा सो इफ आई डू इट आई विल गेट इट इन वन लाइन सो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 0 Likewise, we can go on. Like यहाँ पे सिर्फ as compared to for loop. For loop में directly यहाँ पे range होता है या आप use कर सकते हो जो भी आपने जो list वगैरह है उसको use कर सकते हो dictionary को. But in case of while loop, while उसके बाद whatever condition you are checking, ये condition यहाँ पे check करोगे आप. That condition will be checked in here. And वो condition check करके यहाँ पे आप print करोगे. So that condition you will print it up here. Baki to kuch nahi hai yahan. So this is what you will be getting out of while loop. So while loop mein use karne ke liye sabse. So while loop aise bhi use kar sakte ho. Agar aapko infinity loop hai, infinite loop karna hai, to while true karna hai. So while true. So this will be infinite loop. It will never end until and unless
is you break it. Okay. What I will do is x equals to x plus 1 बोल दूंगा और मैं x को start में value x equals to 0 बोल दूंगा. X की value 0 रहेगी पहले. So what we'll do is x equals to 0 plus 1 वगैरह होता जाएगा. And then if x की value becomes more than 10, and I also what I will do is I will print the value of x, okay? And I will comma, I will take the end equals to comma, okay? If x equals to 10, if x becomes greater than 10, agar 10 ke upar chala gaya, then I will break this thing. I will break that, okay? Break kar dunga. Kis cheez ko break kar dunga? While ko break kar dunga. So that is break and continue ka aage use kar sakte. So what will happen is it will again do the same stuff. It will start from zero. As this is the true condition. X equals to x plus 1 karega. So x ki value 1 ho jayegi. To 1 print karega. 1 print karke usko baad comma de dega. Then ye check karega ki condition if x is greater than 10 hai kya. 1 is just a minute. Yes, if I run now, you can see that you have like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Because 11, yahan pe pehle update ho chuka hai. Update hone ke baad, that has become 11. And 11 hone ke baad, it has compared that 11 is greater than 10. And that's why it has broken up. So it has broke. So 11 is continue. 11 is greater than 10. 10 is not greater than 10. Jab tak ye x 10 hai, tab tak ye condition false rahegi. Tab tak ye break nahi hoga. The moment this x has become 11, 11 is greater than 10, the condition become true. So jab bhi ye condition true banti hai, to ye break kar dega execution ko. So agar main yahan pe ye break statement nahi dalta aur ye true kar deta, to this will be no, this will go till the infinity. मतलब इन्फिनिटी तक कितना ही जाता है जब तक कि ये सिस्टम के मेमोरी की कैपेसिटी जब तक है तब तक ये वर्क करते जाएगा. सो द ब्रेक इज यूज्ड इन सच अ सिनेरियो वेयर यू विश टू ऑन सम कंडीशन यू विश टू ड्रॉप द लूप ऑफ दिस वर्किंग कंडीशन देन यू गो विद द ब्रेक स्टेटमेंट. वी कैन गो विद द कंटिन्यू ऑल्सो. अगर कंडीशन ट्रू है मेरे को स्कीप करना है देन वी कैन यूज द कंटिन्यू ऑल्सो. Continue भी हम लोग use कर सकते हैं. Okay, looks good to me. Now if you have, okay, do you have any like queries, questions? Feel free to ask them. Okay, looks good. Thank you so much, everyone. Today, what I will do is I will add links for the different examples in the Google Classroom so that you will get more practice of this thing. ज़्यादा से ज़्यादा आपको practice मिल जाएगा इस चीज़ का कि how to handle the ये handle